खबरों में बने रहने के लिए अपना डॉट न्यूज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप कुछ करना चाह रहे हैं बताइए। जी हम आज वोट दे के आ रहे हैं। अच्छा, आज जमुई लोकसभा से हैं। क्या लगता है जमुई से चिराग जी निकल रहे हैं? चिराग पासवान रिकॉर्ड मत अपने फादर से रिकॉर्ड मत से जमुई से जीतने जा रहे हैं, इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है। मतलब चिराग पासवान इतना अच्छा काम क्षेत्र में किए हैं कि निकल रहे हैं? काम के आधार पर निकल रहे हैं कि पिताजी का नाम? नहीं, उनका काम जमुई में, जमुई लोकसभा में देखने योग्य है। जनता उसके प्रति बहुत उसका झुकाव है, क्योंकि जमुई में बहुत सारा काम किए हैं धरातल पे, जो कि देखने के बाद आपको पता चलेगा। ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा? वहाँ केंद्रीय विद्यालय और रेलवे लाइन का नया निर्माण और बहुत ऐसा योजना है जो कि उन्होंने धरातल पर लाया, जो कि अभी रनिंग पीरियड में किसान शौचालय वगैरह बहुत बढ़िया बनवाए हैं, बहुत ज़्यादा गरीब और आम पब्लिक के घर में बना है। तो वहाँ मतलब पब्लिक का व्यू भी यही था कि वो निकल रहे हैं? बिल्कुल निकल रहे हैं, इसमें कहीं कोई चिंता की बात नहीं। यह विजय जुलूस अब निकालने की तैयारी करें, इसमें कहीं कोई दुमत नहीं है। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। चिराग जी आप भी सुन लीजिए, आप जीत रहे हैं, आपकी जनता आपको वोट देके आई है। जी जी हम ये जानना चाह रहे थे सर, इस बार किसकी सरकार 2019 में? भाजपा की, ऑफ कोर्स भाजपा की। राहुल की एकदम नहीं? बिल्कुल नहीं। आपको नहीं लगता है राहुल गांधी अच्छा काम करेंगे? नहीं, अभी तो नहीं लग रहा है। अभी नहीं लग रहा है, इस बार फिर मौका नरेंद्र मोदी को देना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। ऐसा कौन सा काम आपको अच्छा लगा उनका? नहीं, काम देखिए, जो नैरेटिव बना है, जो परसेप्शन बना है आज के डेट में इंडिया में, कि दूरगामी परिणाम को लेके भाजपा काम करती है हमेशा, जैसे स्टार्टअप इंडिया हुआ, बहुत सारे जो बेरोजगार थे 13 करोड़ बेरोजगारों को लोन दिया गया, उसी में से कुछ लोग लोन लेके भाग भी गए होंगे, लेकिन नीरव मोदी तीन नहीं विजय माल्या वो तो पहले लिए थे, वो तो की सरकार में लिए जी थे। जी बिल्कुल, वो कांग्रेस के, लेकिन भागे बीजेपी की सरकार में, भागे तो कुछ लोग भाग गए, लेकिन उसके बाद नहीं भागने दिया जा रहा है, अलर्ट हो गए हैं। ठीक है, उसके बाद नहीं भागने दिया जा रहा है उनको? नहीं, उसके बाद से किसी को नहीं भागने दिया जा रहा है। और उसमें बहुत सारी बातें हुई हैं, लोग नीरव मोदी को भागे भी हैं। हम एक चीज़ बताना चाह रहे हैं कि नीरव मोदी अगर कोई आदमी आप पैसा दे दीजिए और हम सरकार में आ गए तो हम कहेंगे कि तुम पैसा लेके भाग जाओ, यहाँ लोग हमारा पैर खींचे, हमको बदनाम करे और तुम वहाँ ऐश करो और उसके बाद हम तुम्हारा पैसा जब्त कर लेंगे। मैंने आपको लगता है इसमें कोई साजिश नहीं है? नहीं, इनका तो कोई साजिश लेकिन नहीं, लेकिन लोग आरोप लगाते हैं। आरोप लगाने के लिए तो कुछ भी लगा सकते हैं, कुछ भी लगा सकते हैं। आरोप आपको लगता है कि इस बार भी नरेंद्र मोदी की सरकार? बिल्कुल 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 होनी चाहिए। राहुल को एकदम मौका नहीं, उस अभी तो उस लायक है नहीं। अभी उनको क्या करना चाहिए? अभी विपक्ष में रहें। अभी विपक्ष में रहें।